वेलकम टू MGS क्लासेस। दोस्तों आज है 13 जनवरी और आज है हमारे एक एस्ट्रोनॉट जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया था सबसे पहली बार स्पेस में जाकर, जिनका नाम है राकेश शर्मा, जिन्होंने 1984 में स्पेस में जाकर भारत का नाम रोशन किया था। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 13 जनवरी 1949 को हुआ था पाटियाला जगह पे, है ना, कौन जगह पे, पाटियाला में, जो कि पंजाब में पड़ता है। इनका नेशनल था इंडियन थे और नेशनल डिफेंस एकेडमी में, एयरफोर्स एकेडमी में यहाँ रहते थे इंडिया में। इनका एक्यूपेशन क्या था, फाइटर पायलट का होना। नेक्स्ट देखते हैं, इनको अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था, अशोक चक्र और हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन के नाम से जो अवार्ड है उनको दी गई थी। इनका जो स्पेस कैरियर रहा, जिन्होंने स्पेस में अपने टाइम को एक्सपेंड किए थे, तो वो जो टाइम रहा लगभग 7 दिन 21 घंटा और 40 मिनट का इन्होंने टाइम को स्पेस में व्यतीत की थी, है ना। कुछ बातें इनके और भी यहाँ पर देखते हैं। इनका जो इंडियन थे यहाँ पर सर्विस ब्रांच क्या था, इंडियन एयरफोर्स में थे, ठीक है। इनका सर्विस रेट क्या था, 70 से लेकर 90 तक इन्होंने मतलब अपना काम योगदान दिया भारत के देश के प्रति। और इनका रैंक जो था विंग कमांडर ग्रुप में इनका रैंक भी था, ठीक है। जैसे हमारे विंग कमांडर अभी कौन थे, मतलब जो पाकिस्तान का छक्के छुड़ा दिए थे, क्या नाम था इनका, अभिनंदन जी, है ना। तो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस किए थे, ये भी उन्हीं के जैसे डिपार्टमेंट्स थे। तो देखते हैं यहाँ पर सर्विस और नंबर इनका ये था, जो हर एयरफोर्स से जो भी कैंडिडेट होते हैं उनका एक सर्विस नंबर दी जाती है, तो उनका ये था नंबर, ठीक है। इन्होंने अपना मतलब भारत पाकिस्तान के जो बैटल ऑफ वार जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे भारत से हुआ था यहाँ पर 1971 में, तो उसमें भी इनको मतलब इन्होंने अपनी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया, पश्चिमी स्टार्स और संगमरमर जो मेडल्स था इनको दी गई थी। इनकी जो स्पाउस जो थी यहाँ पर मधु शर्मा, और उनके दो बच्चे थे, है ना। चलिए आप देखते हैं, लेकिन इनके बारे में जानने से पहले देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है जो भारत का नाम रोशन किए, ये मतलब सबसे पहले थे, लेकिन सेकेंड नंबर पर थी कल्पना चावला, जो 1997 में, राकेश शर्मा 1984 में गए थे, कल्पना चावला 1997 में गए थे स्पेस में, और सुनीता विलियम्स 2006 में स्पेस का सफर की। वही हमारे चौथे नंबर पर आती है सिरका बंदला, जो 1921 में इनका चयन हुआ था। ये चार नाम ऐसे हैं जिन्होंने अंतरिक्ष उड़ान भरकर दुनिया में इंडिया का बोलबाला किया, है ना, इंडिया का नाम रोशन किया। तो आपको ये जानकारी कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।